अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ देखिए, मैं अपने ट्राउज़र पे वर्क कर रही थी मिरर का, और काफ़ी दिनों पहले मैंने ये स्टिच करके रखा हुआ था। तकरीबन इसको 8-9 मंथ्स हो चुके हैं जो मैंने इसको रेडी करके रखा था, मगर इसकी शर्ट भी नहीं सिली थी तो इस वजह से मैंने इसको वेयर नहीं किया था। तो मुझे परसों जाना था अपनी कज़न के घर पर 2-3 दिन पहले के, तो फिर मैंने इसको निकाल के, इसकी शर्ट अम्मी ने सी दी थी तो मैंने इसको निकाल के इस पे शीशे चिपकाए और ये थोड़े नग वगैरह चिपकाए, उसको रेडी किया, फिर उसके साथ वेयर करके मैं गई हूँ। अच्छा जी, काफ़ी देर हो चुकी थी जिसकी वजह से मैंने अपनी कोई वीडियो कोई पिक्चर नहीं ली थी, तो मैं पूरा ड्रेस शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ कि मैंने इसके साथ कैसी शर्ट पहनी थी। उसी दिन अम्मी ने सी है, उस शर्ट को सिया था, तो देर पे देर हो जा रही थी। तो अब अलग से मैं इसकी एक पिक्चर बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये हम रास्ते में थे तो काफ़ी प्यारी प्यारी बैंक्वेट लॉन हॉल वगैरह नज़र आ रहे थे, और ये ग्रीन बस का स्टॉप है तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह से हमारा कराची काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है और बहुत रौनकें नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस टाइम। तो वही मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। ये सिटी लॉन नज़र आ रहा था, सारे ही हॉल लॉन बैंक्वेट वगैरह सब भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो बस इसकी वीडियो शूट करी। और उसके दूसरे दिन मैंने बनाए थे अम्मी के यहाँ गई थी तो अम्मी को काफ़ी दिन से केक बनाने का शौक हुआ हुआ था, मुझे भी शौक काफ़ी दिनों पहले चढ़ा हुआ था तो मैं बनाती थी घर में, तो काफ़ी दिनों से नहीं बना रही थी तो अम्मी ने ये सामान मंगवा के सब रखा हुआ था। तो हमने ये दो, एक स्टार शेप में और एक रेक्टेंगल शेप में केक, प्लेन केक तैयार किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, यम्मी था बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से ये पतीले में मैंने बनाया तो बेक भी काफ़ी अच्छे से हुआ है, ऊपर भी कलर आ चुका है। वैसे तो ओवन वगैरह में होता है तो आपको पता है उसकी तो क्या ही बात होती है, लेकिन अगर पतीले में इस तरह का अच्छा कलर आए हर तरफ से तो इसके लिए भी वही 10 में से 10 तो बनते ही हैं नंबर्स। और ये नान खटाई बनाई थी मैंने अम्मी की फरमाइश पे, काफ़ी अच्छी बनी। अच्छा है जी, ये मैंने नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए, अपने लिए, तो दाल और पराठे और चाय थी साथ में, तो टेस्टी लगती है काफ़ी दाल पराठे के साथ, तो उसी की वीडियो मैं आप लोगों की नेक्स्ट डे की 3 दिन की मर्ज वीडियो एक साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि काफ़ी बिजी रूटीन चल रही है और मेरे मोबाइल का जो प्रॉब्लम है तो वो मैं कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ बताऊँ, दुआ करें मेरे लिए कि मेरे मोबाइल का चार्जर बच्चे ना तोड़ा करें। और बस ये मुर्तज़ा को मैंने रेडी कर दिया था स्कूल जाने के लिए तो वह स्कूल जा रहे हैं, इर्तज़ा को भी फिर 9 बजे के टाइमिंग में स्कूल भेजा। अच्छा जी, आज शब बारात का दिन है, बच्चों के स्कूल की छुट्टी नहीं थी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने फ़ौरन खाना चढ़ा दिया, सफाई वगैरह कर ली है और आज की वीडियो मैं आधी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी शाम में अगर बनाया मैंने हलवा वगैरह भी तो बनाने का कोई इरादा नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।